So this is the chapter 4 of your English book. The title of the book is In the Heart of a Seed. मतलब एक बीज के हृदय में. In the heart of a seed, buried deep, so deep. In the heart of seed मतलब एक बीज के हृदय में. Buried deep मतलब गहराई में गाड़ देना, या फिर deep मतलब गहराई. So deep मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में उनको दबा दिया है. A dear little plant lay fast asleep. और एक पौधा, लिटिल डियर, लिटिल मतलब एक प्यारा सा छोटा सा पौधा, ले फास्ट स्लीप और जल्दी से सो जाता है. वे एक सेड द सनशाइन, सनशाइन ने क्या बोला, सेड द सनशाइन. चलो ठीक है, अब चैप्टर को मैंने जूम कर दिया है. चैप्टर 4, इन द हार्ट ऑफ ए सीड, एक बीज के हृदय में. इन द हार्ट ऑफ सीड वेरी डीप सो डीप, ए डियर लिटिल प्लांट ले फास्ट स्लीप. ये एक पोयम है केल ब्राउन के द्वारा लिखी गई. ए डियर लिटिल प्लांट ले फास्ट स्लीप, वेक सेड द सनशाइन. सनशाइन यानी धूप. सूर्य की किरणों ने क्या कहा, वेक मतलब जागो या उठो. एंड क्रीप टू द लाइट, और लाइट को ऑब्जर्व करो. वेक सेड द सनशाइन, द वॉइस ऑफ रेन ड्रॉप्स ब्राइट. और बारिश की बूंदों ने भी यही कहा कि जागो उठो. द लिटिल प्लांट हर्ड, और छोटे से पौधे ने यह सुन लिया. एंड रोज टू सी, और बाहर की दुनिया. व्हाट द वंडरफुल वर्ल्ड आउटसाइड माइट बी, वर्ल्ड माइट बी, बाहर